देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में 907 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों के आंकड़े। राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। तो उत्तराखंड में हर दिन कोरोना की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, बहुत बड़ी चिंता यहाँ पे बन गई है क्योंकि लगातार आंकड़े भी हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को कोरोना हो रहा है जिनकी बागडोर जिनके हाथ में उत्तराखंड की सत्ता है, तो ऐसे में चिंता लाजमी है सौरभ। बिल्कुल, देखिए चिंता जरूर लाजमी है क्योंकि लगातार जो मामलों में इजाफा हो रहा है, जहां एक तरफ सरकार चिंतित थी कि प्रवासी उत्तराखंडी जो आ रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव की जो है पुष्टि हो रही है, लेकिन अब सरकार के एक मंत्री और उनके परिवार में जब जो है कोरोना की पुष्टि हुई है तो पूरी सरकार सकते हुए दिखाई दे रही है। तमाम अधिकारी, मंत्री और जो है तमाम ऐसे लोग जो एक दूसरे के संपर्क में आए, जो सरकार के उन मंत्रियों के अधिकारियों के संपर्क में आए, वो भी खासे परेशान है, चिंतित है, क्योंकि जो सिम्टम्स है अब उन सबको लेकर जो है इनके टेस्ट होने भी लाजमी है। ये जरूर माना जा रहा है कि तमाम अधिकारियों ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है, सेल्फ क्वारंटीन किया है, अब उनके टेस्ट होने बाकी है। अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो एक बहुत बड़ी जो है संख्या राज्य में हो सकती है। एक तरफ जहां उत्तराखंड में पहले जमातियों ने यहां के हालात खराब किए, वहीं अब जो है प्रवासी उत्तराखंडी जो आ रहे हैं उन्होंने जो है संख्या जरूर बढ़ाई है। अगर ऐसे में ही जो है अगर सरकार के मंत्रियों में अधिकारियों में अगर जो इस चीज की पुष्टि होती है तो ये और भी बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। भविष्य के लिए खास खतरा भी अब दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया है और तमाम अधिकारियों ने भी क्वारंटीन किया है। अब जिस तरीके से इनके सैंपल लिए जाएंगे उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो अपने आप में बहुत सारी चीजें और भी चौंकाने वाली निकल सकती हैं, क्योंकि सतपाल महाराज जब कैबिनेट में गए थे तो तमाम अधिकारी और मंत्री उनके संपर्क में थे, उनसे जो बातचीत करते रहे, तमाम लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। 3 घंटे तक चलने वाली इस कैबिनेट में तमाम अधिकारियों से मंत्रियों से वो मिले थे। अब उनके सैंपल लिए जाने की भी जरूर बात की जा रही है। अगर अधिकारियों ने WHO या और ICMR की गाइडलाइन के तहत अगर इनके सैंपल लिए तो जरूर जो है चौंकाने वाला आंकड़ा और दिखाई देगा। जी जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।